Hi students, so I welcome you all and I congratulate because we have already finished the last chapter of class 11, that was chemical control and coordination. So now onwards we'll start class 12, the syllabus of class 12, and in that we'll start the first chapter, that is your reproduction in organism, and after that we'll directly go and we'll study the next chapter immediately after that, and that will be reproduction in human. Okay, reproduction in human being. So before we start, I will say a small, I will actually quote a small saying, very famous quote. See, I think all of you have heard about it as well. The individuals die, but the life is continue. मतलब क्या हुआ इसका? कि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जीवन चलता ही रहता है. It's a very interesting quote. Like you and me, we all will survive, and one day we'll get old. Because of aging, we'll get older, and one day we will die. All will die. ठीक है ना? जो भी व्यक्ति जन्मा है, वो एक दिन मर जाए. लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, if I ask you one question, like if I die and if you die, or some other people also die, is it the end of the humankind or humanity? No. कोई व्यक्ति मरने से इंसान इंसानियत खत्म नहीं हो जाती है, फिर इंसान धरती से नहीं चले जाएंगे. वैसा सिर्फ इंसान के केस में नहीं है, हर स्पीसीज जो इस बायोस्फीयर में है, सारे स्पीसीज क्या होते हैं, अगर वो इंडिविजुअल स्पीसीज एक मर जाता है, इससे स्पीसीज खत्म हो जाता है क्या? नहीं खत्म होता. उसके जो अदर, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो रह जाते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो फिर वो मरते हैं, फिर उसके ऑफस्प्रिंग रह जाते हैं. तो मतलब क्या है कि इंडिविजुअल मर जाते हैं, लेकिन लाइफ कंटिन्यू होता है ना? दिस इज ट्रू, या दिस इज ट्रू? लेकिन द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये होता कैसे है, कैसे होता है कि इंसान मर जाते हैं लेकिन लाइफ, या फिर इंसान का जो वजूद है, या फिर जो हमारा स्पीसीज है होमो सैपियंस सैपियंस, वो कंटिन्यू रहता है, या फिर कोई भी और दूसरे एनिमल की स्पीसीज वो जीवित रहते हैं, वो रहते हैं धरती पे, वो खत्म नहीं हो जाते. वो होता कैसे है? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी एक्चुअली रिप्लेस आवर ओन काइंड. ठीक है ना? हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड और देयर ओन टाइप. जैसे इंसान है तो अपने आप इंसान क्या करेंगे, अपने है जैसे इंसान को रिप्लेस करके कर देंगे अपने लाइफ टाइम में. मतलब जैसे आप लोग क्या है, आपके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हो, वैसे आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग थे, और भविष्य में आपके भी ऑफस्प्रिंग होंगे. इससे क्या हुआ कि जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है. तो जो टाइम लगता है, आप सबसे पहले अच्छे से समझिए, जो सी द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल टिल डेथ. जब एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, जो एक स्पीसीज मतलब ये एनिमल जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय है, उस समय को हम कहते हैं लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है. ठीक है ना? लाइफ स्पैन क्या हो सकता है? हर अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है. सो द चैप्टर व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया है. क्या है चैप्टर का नाम? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन क्या है, मैंने अभी बता दिया मैंने आपको पहले. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप और ओन काइंड. अब कभी भी देखना, अगर कोई गाय का बछड़ा होता है तो उसके जैसा ही होगा ना गाय का बछड़ा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि गाय का बच्चा बंदर जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं होगा ना. हाँ, डिफरेंस क्या है कि वी कैन से दैट इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर एडल्ट इंडिविजुअल स्पीसीज. उसी का मिनिएचर वर्जन होता है. हाँ, अभी क्या है, जो गाय अभी बछड़े को जन्म दिया है, क्या हो सकता है उसके मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हो सकते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि उसके बॉडी का कलर अलग हो जाए, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे मॉर्फोलॉजिकली, बाकी बेसिकली है क्या वो, इट्स अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द एडल्ट इंडिविजुअल. होता है ना, बहुत छोटे होते हैं बच्चे, बहुत छोटे होते हैं ना, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं. तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो समय है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन. अब देखो, लाइफ स्पैन की अगर मतलब पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक अगर हम पूरे लाइफ पूरे टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन को अगर डिवाइड करेंगे, तो हम उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहला फेज क्या है? जन्म लेना, मतलब बर्थ. हम सब जन्म लेते हैं, हम सब पैदा होते हैं, है ना, सारे ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बर्थ. उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बोला इमीडिएटली बहुत छोटा होते हैं, छोटे होते हैं वो,
उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल मतलब छोटा, ठीक है, मिनिएचर वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और किस स्टेज पे पहुंचता है, रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव स्टेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, मतलब अभी वो एडल्ट हो चुका है, अब वो ऑर्गेनिज्म फिर से रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है एजिंग। इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म यंग हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, जैसे कि आप सब अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, अभी आप लोग यू आर वेरी नियर टू, अभी आप टीनेज में हो, इसके बाद बहुत जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, मतलब आप रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके आ जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप सबके साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबका एजिंग होगा, सब बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, सब एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं, उस फेज को हम कहते हैं एजिंग, बूढ़ा होना या बूढ़े होने के जो फेज है उसे हम कहते हैं एजिंग। और अंत में क्या होगा, जो परम सत्य है, मृत्यु, मृत्यु अनिवार्य है। जो व्यक्ति जन्मा है, जो जो भी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु होना ही है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय है, उसने उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है आपके कुछ फेजेस में, अपने हिसाब से हमने। तो बेसिकली ये सारे फेज है, बर्थ, उसके बाद जुवेनाइल फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद एजिंग और फाइनली डेथ, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे इस चैप्टर में, हम अभी सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, बाकी कोई फेज के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। स्पेशली जुवेनाइल फेज के बारे में हमें तब भी कुछ पता है, लेकिन अगर हम बात करें एजिंग के बारे में तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, हम बूढ़े क्यों होते हैं या ऑर्गेनिज्म बूढ़ा क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये किसी को नहीं पता। ऑल पीपल आर वंडरिंग अबाउट दिस, हम बूढ़े, अगर किसी को किसी दिन पता चल जाए कि हम बूढ़े क्यों होते हैं और हम उस चीज को ठीक कर लिए, तो हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, है ना। तो इट इज नीड बी पॉसिबल टू एक्चुअली क्रैक दिस द टफेस्ट or to answer the toughest question in the world, one of the toughest question, I can say the most toughest question, hum budhe kyun hote hain, aging kyun hota hai, kisi ko nahi pata, hai na, hum bahut science technologically advanced ho chuke hain, even though we don't know why the aging is there, okay। ab dekho jo plant ke aging hota hai na, plant unme bhi aging hota hai, theek hai, to aisa nahi ki sirf animals mein hota hai, plants mein bhi aging hote hain, wo bhi ek samay ke baad मर जाते हैं। तो एजिंग सब में होगा, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो, सब में एजिंग होता है और एक दिन वो सब मर जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, बात करेंगे आगे, जैसे आप बोलोगे सर इमोर्टल्स भी है, कुछ एनिमल्स है उसे हम इमोर्टल्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि अमीबा इज ऑल्सो इमोर्टल, है ना। तो अमीबा को हम इमोर्टल क्यों मानते हैं, क्योंकि वो जो है ना, मतलब एक बायोडिफिशन होता है उनमें, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली द ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग इट्स मेकिंग देयर ओन कॉपीज, ठीक है ना। तो जब वो कॉपी बनाते हैं, मतलब एक एमीबा टूट के दो डॉटर सेल बना देते हैं, अब वो दो डॉटर सेल ना हो, फिर वो क्या हो गए, फिर वो डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो डॉटर सेल जो है वो फिर डिवाइड हो गया, तो मरे कब, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब देखो हम कुछ हम ये रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखो लाइफ स्पैन के बहुत सारे रेंजेस हैं, मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत कम समय के लिए जीते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, और कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत लंबे समय के लिए जीते हैं। तो वही हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका है, मेल फ्लाई, ठीक है, कितना होता है वो 24 घंटे का, एक दिन का। उसका जीवन काल कितने समय का होता है, जन्म से मृत्यु उसका जो समय है, टाइम पीरियड है उसके लिए कितना है, 24 घंटा। मान लीजिए कि हम अगर पैदा हुए और हम सुबह पैदा होते शाम तक मर जाएंगे, ये हमारा लाइफ स्पैन अगर होता मान लीजिए, तो क्या होता है? मतलब फिर हम बहुत हमारा लाइफ स्पैन क्या होता है, छोटा होता। बिल्कुल वही होता है मेफ्लाई के साथ। मेफ्लाई जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके केस में क्या है, वो बस एक दिन ही जीता है, ठीक है। और एक है आपका, मतलब होता क्या है कि जो मेफ्लाई है वो जब प्यूपा से बाहर आता है, उसके बाद एक्चुअली में जो मेफ्लाई है ना, वो पूरा उसका जो लाइफ स्पैन है एक दिन का है, लेकिन एक्चुअली वो जब अपने प्यूपा से बाहर निकलता है उसके बाद वो सिर्फ 7 मिनट ही जीवित रहता है, ओनली 7 मिनट्स। उसी के अंदर वो अपना जो भी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन या जो भी उसके मतलब रिप्रोडक्टिव फेस है, एजिंग है, वो सब उसी में हो जाता है, ठीक है ना।
नाउ अगर हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका है, सबसे लंबा कौन सा एनिमल जीता है, तो वो है टॉर्टोइस, कछुए। कछुए बहुत लंबे लंबे समय तक जी सकते हैं, 300 से 400 साल तक जी सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे भी कछुए होंगे, इसका मतलब जो कि वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी थे, अभी भी है, मान के सोच के देखिए, मतलब 1914 में भी थे, अभी 20 है, मतलब अभी तो सर 120 साल ही हुआ है बस, क्या हुआ 120 साल के आसपास ही हुआ, 106-107 साल हुआ है, लेकिन ये तो 300 से 400 साल जी सकते हैं। इसका मतलब कि मतलब ब्रिटिश एरा से भी पहले के कुछ टॉर्टोइस वो भी अभी तक जिंदा है, हो सकते हैं, है ना। जैसे गैलापागोस आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, वहां बहुत बड़े बड़े टॉर्टोइस हैं, बहुत बूढ़े हैं वो, किसी का उम्र 150 साल है, 250 साल है, 300 साल है, ठीक है। तो टॉर्टोइस बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन है 300 से 400 साल तक, ठीक है। उसके बाद बुल हेड व्हेल्स, एक व्हेल, एक व्हेल का एक स्पीसीज है जिसका नाम होता है बो हेड व्हेल, वो 150 से 200 साल तक जी सकता है, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड है जिसे हम पैरट अपने घर में भी पालते हैं, आपको पता होगा पैरट्स, तोता, वो कितना नहीं जी सकते पता है आपको, 140 साल। मतलब आप अगर कोई तोता पालोगे तो आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो जब अपने मिड एज में जाएगा या फिर शायद वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी शायद वो पैरट जिंदा रहे, है ना, इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जीते हैं कौन, मतलब सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन अगर हम देखेंगे ना तो हमें वो प्लांट्स में दिखता है, सबसे ज्यादा प्लांट्स जीते हैं। मतलब हमने कुछ कुछ प्लांट्स देखा है जो जैसे आपका बनियान ट्री है, उसके बाद रेडवुड है, ये तो 1000 साल तक जी सकते हैं, 1000 साल, सोचे देखिए 1000 साल, अगर हमें मौका मिलेगा 1000 साल जीने का तो आप क्या करोगे, प्लीज कमेंट इन द डिस्कशन कि अगर आपको 1000 साल इन द डिस्कशन इन द ग्रुप डिस्कशन ग्रुप कि अगर आपको कभी मतलब ऐसा हो जाए कि इंसान 1000 साल तक जी पाए तो क्या होगा, क्या करोगे आप, क्या करोगे, हाउ यू यूटिलाइज योर लाइफ, आर यू विल एक्सेप्ट इट ऑर नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग वी ऑल नाउ वी आल्सो नीड टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बीइंग एज़ वेल। हमारे केस में क्या है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है ये हमारा जो जीने का जो लाइफ स्पैन है वो एक्चुअली 100 साल का होना चाहिए। जो द डिजाइन द मशीनरी द बॉडी द नेचर एक्चुअली डिजाइन फॉर अस इट कैन सर्वाइव फॉर 100 ईयर्स, तो हम 100 साल तक जी सकते हैं लेकिन विद सम कंडीशन। अब देखें, देखना आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में ज्योग्राफी में, जब आप पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी या डेमोग्राफिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे मोर्टेलिटी रेट या फिर बर्थ रेट, ये सब देखते होंगे। तो मोर्टेलिटी रेट आप देखोगे या फिर एवरेज लाइफ स्पैन अगर देखोगे किसी देश का, किसी राज्य का, तो वो अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है, इंसान का जो जीवन है या हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ स्पैन है, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर और हैबिटेट के ऊपर और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, उसके ऊपर, वेदर के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सम देयर आर सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट केस, राइट। सो हमारे देश का जो एवरेज लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट 65 ईयर्स का है। वैसे आप किसी बहुत डेवलप कंट्रीज में जाओगे जैसे जापान में लोग बहुत लंबा जीते हैं, जापान में तो एक आइलैंड है जहां पे लोग 107 साल तक जीते हैं, 110 साल तक जीते हैं, 115 साल तक जीते हैं, ठीक है ना, मतलब 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और किस कंडीशन में। सो व्हेन विल डिस्कस इन डिटेल, व्हेन विल कम एंड आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल लेटर ऑन, इफ यू हैव इंक्वायरी इन डिस्कशन यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, ओके फाइन। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शुरू में मैंने बताया था आपको, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डिस्कस करते हैं, पहला क्या है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट मींस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस केस। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का, ईस्ट का, तो क्या होता है ना जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पेरेंट से ही, पेरेंट एक अकेला पेरेंट, एक अकेला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म खुद से ही दूसरा नया इंडिविजुअल मतलब उसका ही एक कॉपी बनाता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। उसमें दो पेरेंट या दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं, तो उससे सिर्फ एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल से ही काम चल जाता है। जैसे हाइड्रा बडी करता है, उसके बाद एमीबा फिशन से रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वैसे अगर आप देखोगे दूसरा एग्जांपल एमी आपका ईस्ट का, वो भी वैसा करता है, बट बाय द प्रोसेस ऑफ बर्ड, बट क्या होता है इट्स आउटग्रोथ, व्हाट वी कैन सी इट्स अ स्मॉल आउटग्रोथ एंड इट विल गेट मैच्योर एंड आइडेंटिकल, इट विल फॉर्म द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक देयर पेरेंट एंड देन इट विल गेट डिटैच, ठीक है ना। तो वो होता है बडी,
तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई दो इंडिविजुअल नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या डिवीजन होता है, इसका मतलब है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन व्हाट वी कैन सी इन दिस केस, दैट इज योर माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है ना। और जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इट इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्लोन होता है। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसी का क्लोन होता है और बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसमें जो जेनेटिकल और जो मॉर्फोलॉजिकल जो आइडेंटिटी है या वो बिल्कुल सेम होता है, वो एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या, कोई वेरिएशन या रिकॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं। लेकिन उल्टा ही उल्टा दूसरे केस सेक्सुअल में क्या है, इसको उल्टा, पहले हमने देखा था एसेक्सुअल में एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है, अभी इसमें क्या है, दो दो पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस नहीं होता, इसमें मियोसिस भी होता है, माइटोसिस दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। तो पिछले केस में हमने क्या देखा था, सिर्फ माइटोसिस होता है या माइटोटिक जो डिवीजन होता है, इसमें क्या है, मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, और माइटोसिस किस लिए होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। जब दो गैमेट मेल एंड फीमेल फ्यूज होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, फिर क्या होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। उस समय क्या चाहिए हमें, माइटोटिक डिवीजन भी चाहिए। तो दोनों यहाँ पे होता है, मियोसिस भी होता है, माइटोसिस भी होता है। इससे क्या फायदा है, इससे रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन भी होता है। फायदा क्या है कि हर जो जनरेशन आता रहेगा इसके, इससे तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन इज मोर इम्प्रूव्ड एट, वी कैन सी मोर वैरायटी कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन, जो कि हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं दिखता। वो सदियों से उनका जो फीचर्स है, जेनेटिकल मेकअप है, सब सेम है, लेकिन हमारा जो जेनेटिकल मेकअप है वो धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है। और सारे जो आपके ऑर्गेनिज्म है, दोज हू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन देयर केस दे कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग एंड इंप्रूविंग, जो कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखते। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट we start with the asexual reproduction and we'll see that how much we can finish by today, the time during the stipulated time, because we have time now. So jitna hum kar sakte hain usi samay ka hame hamara kuch restrictions hai to wahan tak karenge, uske baad hum aage chalte hain, theek hai। Asexual reproduction sabse pehle hum baat karenge officially, so I will show you lot of images as well. So pehle hum discuss karte hain, samajhte hain, fir main aapko image bhi dikhaunga, bahut sara colorful image bhi hai mere paas, I'll show you that as well. तो पहले मैंने क्या बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब आइडेंटिकल कॉपी बनता है। तो पहला कैटेगरी, बहुत सारे तरीके होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, पहला है फिशन टाइप। इसमें क्या होता है, अब देखो फिशन जो होता है इसका मतलब स्प्लिटिंग, तोड़ना, टूटना, ठीक है ना, स्प्लिट बनाना, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो डॉटर सेल है ना वो पैरेंट सेल से टूट जाते हैं, ओके, या फिर एक पैरेंट सेल डिवाइड होकर दो पैरेंट सेल बन जाते, दो डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं फिशन। अब फिशन भी काफी फिशन के भी कुछ वैरायटीज हैं। पहला वैरायटी जिसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब दो बनना। जब एक पैरेंट इंडिविजुअल से फिशन होगी, फिशन के द्वारा, स्प्लिटिंग के द्वारा जब दो डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे तो हम उसे कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। तो पैरेंट सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल, देन वी कैन कॉल इट एज बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल एमीबा का लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे दो, ये डायग्राम आपके जो सामने है, द डायग्राम व्हिच इज देयर ऑन योर स्क्रीन। So, ये आपका पैरेंट अमीबा है, उससे फिशन के द्वारा दो डॉटर सेल बन गए, दो डॉटर अमीबा, वो मैच्योर हो गए, उससे फिर दो बन गए, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये कभी मरता नहीं। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हम इसे कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर इट एज इमोर्टल्स, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिज्म डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिशन, दे आर कंसिडर एज इमोर्टल्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली, तो हम उसे इमोर्टल्स कंसिडर करते हैं, हम मानते हैं वो इमोर्टल्स है। अब देखो ना कहां मर, वो मरा कहां, ध्यान से देखिए। ये ऑर्गेनिज्म पहला है, इससे हम यहां से स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो अगर आप देखोगे पहला वाला, तो ये डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बन गए, और ईच डॉटर सेल गेट मैच्योर्ड वेल डेवलप्ड एंड दे आर आल्सो डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग टू डॉटर सेल, तो ये मरा कहां। हाँ, अगर आप पकड़ के उसको क्रश कर दोगे, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, मर जाएगा, लेकिन वो ऐसे कहां मरा, कोई एजिंग हुआ क्या इसमें, तो ये एक्सेप्शन है। तो पीपल आर डूइंग रिसर्च, साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च अबाउट दिस, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, इज इट हैविंग एनी
secret that this amoeba is having any secret for the immortality in case of human being also. We can we use it in that case also? So we don't know about anything. People are doing research. So if there is any update, I will tell you. Now they divide and grow again and divide without death. तो वो करते क्या हैं? ये बढ़ते हैं, divide होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर divide होते हैं. So मरते ही नहीं. मरेगा? मरते ही नहीं. ठीक है ना? तो ये actual में हम इसे consider करते हैं. Actual में है क्या? Immortal है. तो ये first category था fission का, जिसे हम कहते हैं binary fission. मतलब एक individual parent से दो daughter cell बन जाना. इसे बोलते हैं binary fission. Binary मतलब दो. ठीक है? दूसरा था मल्टीपल विशन. मतलब जब एक पेरेंट से बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल विशन. मतलब वन पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म मेनी डॉटर सेल, देन इन दैट केस वी कंसीडर इट एज, और वी कैन कॉल इट एज योर मल्टीपल फिशन. तो हम उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन. तो उसका एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे. एग्जाम्पल हमने लिया क्या? प्लास्मोडियम इज द एग्जाम्पल. ठीक है? तो प्लास्मोडियम में क्या होता है ना, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म, थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके और न्यूक्लियस के साथ एक मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो जाएगा, जो कि अलग अलग सेल बन जाएगा फिर उसके बाद. ठीक है? और उसके बाद ये जो आपका साइटोप्लाज्म का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, वो क्या होगा? वो रप्चर हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा. उसके बाद ये जो सारे जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो निकल जाएंगे. तो आप देख सकते हो कि एक सिंगल प्लास्मोडियम से पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, मतलब आपका पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर आपका साइटोकाइनेसिस, नहीं साइटोकाइनेसिस पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब उसके बाद फिर सेल बन गए, फिर बाहर निकल गए. तो इतने सारे आपको जो मल्टीपल जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो बन गए बाय द प्रोसेस ऑफ दिस फिशन. सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन. ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? प्लास्मोडियम. ठीक है? तो द सेम थिंग इज रिटन हियर इन दिस पॉइंट, सो यू कैन पॉज एंड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एज वेल, एंड यू कैन राइट डाउन द पॉइंट एज वेल. So the nucleus divide and each nucleus surrounded by cytoplasm and a membrane. Then the parent cell rupture and they release many daughter cell, and that is why we call it as multiple fission. ठीक है ना? चलिए. Next जो type है आपका asexual reproduction में जो हम discuss करेंगे वो है आपका budding. Budding क्या होता है? मैंने पहले ही बताया. Budding मतलब bird. Bird क्या होता है? It's a tiny outgrowth. एक tiny outgrowth होता है जो कि parents के body में बनता है. ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो डिटैच हो जाता है. ठीक है? तो ये पॉइंट में हमने क्या वही सेम चीज लिखा है, द बर्ड इज टाइनी ग्रोथ विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंट्स बॉडी, वेयर द बर्ड इज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट बेसिस वी कैन डिवाइड द बडिंग इन टू टाइप्स. अच्छा, बडिंग भी फिर दो तरह से डिवाइड हो जाता है. बर्ड कहां बनता है? बॉडी के अंदर बनता है, बाहर बनता है, कैसे बनता है, उसके बेसिस में भी हमने बडिंग को भी डिवाइड किया फर्दर इन सम कैटेगरीज. तो बेसिकली दो होते हैं, होता है आपका एक्सोजेनस बॉडी और एक होता है इंडोजेनस बॉडी. एक्सोजेनस बॉडी मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, सॉरी एक्सोजेनस मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर एक्सटर्नली बर्ड ग्रो करता है, उसके बाद वो डिटैच हो जाता है. ठीक है ना? इसको बोलते हैं एक्सोजेनस बॉडी. ठीक है? उसमें होता क्या है? द आउटग्रोथ, दैट इज द बर्ड इज ऑन द आउटर साइड ऑन द पेरेंट बॉडी. एग्जाम्पल ले लेते हैं ईस्ट का, हाइड्रा का. और एक्सोजेनस बॉडी आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि जो स्पॉन्जिला है, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, वो क्या करता है? उसके जो बॉडी के अंदर, विल सी द डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू आफ्टर दैट. सी, यहां देखिए. सो यू कैन पॉज एंड यू टेक दिस पॉइंट्स. सो आई नाउ विल फोकस इन द डायग्राम फर्स्ट. यहां देखिए, ये आपका ईस्ट का एग्जांपल है. तो ईस्ट का जो एक्सटर्नली यहां पे बर्ड बना, उसके बाद ये डिटैच हो गया. अब हाइड्रा में देखिए, ये हाइड्रा के टेंटेकल से, सबस्ट्रेटम से अटैच है. इसका ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा जब आपने हाइड्रा पढ़ा था एनिमल किंगडम में. तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नली ये छोटा एक सिंपल डायरेक्ट कॉपी बोल सकते हो, या इन बर्ड, पहले बर्ड बनता है, उसके बाद डेवलप होके इट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर सेम लाइक द पेरेंट स्ट्रक्चर. अब ये इसके बाद डिटैच हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनस बडिंग. एंडोजेनस बडिंग मतलब ये स्पॉन्ज है. ठीक है ना? तो ये स्पॉन्ज का अगर डायग्राम आपको अगर याद होगा, ठीक है, कि इसका ये जो उसमें आपके ऑस्टिया होता है ना, जहां से पानी एक्चुअली अंदर आता है दोनों तरफ से, तो उसके जो बॉडी वॉल है ये अंदर की तरफ, ये बॉडी लो, तो यहां पे अंदर की तरफ, बॉडी वॉल की तरफ, अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर ये जेन्यूल्स बनाते हैं, और ये जेन्यूल्स फिर रिलीज होता है, रिलीज कर देते हैं पानी. तो ये जेन्यूल्स है बेसिकली. जेन्यूल्स के सेंटर में क्या होता है? देयर आर लॉट्स ऑफ सेल विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट स्टेज. ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट कॉम्पैक्टली, अरेंज कॉम्पैक्टली. इसको बोलते हैं, ये सारे सेल्स जो है, इसका नाम हमने क्या रखा है? इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स.
ठीक है, एंड देन दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद वन मोर लेयर, एक और लेयर होता है, दोनों के बीच में एक जिलेटिनस फ्लूइड होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं एंडेलाइक स्ट्रक्चर्स, ये होता है स्पिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने स्पिक्यूल्स, और एक ओपनिंग जो होता है, एक माउथ पार्ट होता है जिससे कि ये निकल सकते हैं। कब निकलेंगे, अब पहला आपको ये समझना है, ये जेम्यूल्स जो है ये भी एक तरह का बर्ड है, लेकिन ये बॉडी के अंदर बनता है स्पॉन्ज के केस में, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला के केस में ये होता है, उसके बाद ये पानी में रिलीज कर देते हैं इसको, तो ये फ्री फ्लोटिंग है, इट विल मूव अकॉर्डिंग टू द करंट, वाटर करंट, और जहां पे इसको स्वेटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा वहां पे ये अटैच हो जाएगा, और ये जो माइक्रोपाइलर एंड है यहां पे अटैच होगा, इस साइड से अटैच हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये जो आर्क्यूसाइट जो यहाँ पे है, ये सेल्स, इतने सारे सेल ये बाहर आ जाएंगे, उसके बाद दिस ऑल द सेल्स विल ग्रो एंड इट विल फॉर्म अ एडल्ट स्पॉन्ज, ये सारे सेल अरेंज मतलब ग्रो करके स्पॉन्ज का जो स्ट्रक्चर वो बनाएगा, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका आपका एंडोजेनस बॉडी का। तो बॉडी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोजेनस, एक होता है एंडोजेनस, सो यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट द पॉइंट्स और यू कैन ऑल्सो मेक द डायग्राम, राइट। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी क्या है आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पता है आप लोगों को, आपने पहले भी पढ़ा ये सब, सो आई विल जस्ट गिव अस, विल डिस्कस इट एंड वी मूव ऑन। स्पोर्स फॉर्मेशन, पोर्स बनता है, अब देखो स्पोर क्या है आप सबको पता है, पोर्स दो तरह का होता है, एक होता है जूस्पोर, ठीक है ना, पहला बात करेंगे जूस्पोर्स के बारे में, ठीक है, जूस्पोर मतलब क्या होता है ना, जो मोटाइल होता है, मतलब जो मूव कर सकता है, उसे हम बोलते हैं जूस्पोर, ठीक है ना, तो जूस्पोर का मतलब होता है दोस्त विच आर एक्चुअली मोटाइल, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम थोड़ा सा डायग्राम एक बार देख लेते हैं, विल सी द डायग्राम जो पिछला हमने डिस्कस किया फिशन के बारे में, थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने फिशन के बारे में डिस्कस किया था, ये आपका है बाइनरी फिशन, ठीक है, और बाइनरी फिशन में हमने देखा है अमीबा पहले डिवाइड करके आपका दो डॉटर सेल बना देता है, उसके बाद फिर वो डॉटर सेल ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर उससे आपका दो फिर डॉटर सेल बन जाता है। ये एग्जांपल ईस्ट का है, ये बडिंग का है, ये बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये आपका प्लास्मोडियम है, बिल्कुल जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले आपके साथ, प्लास्मोडियम है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होकर इतने सारे न्यूक्लियस बन गए, देखो डॉटर न्यूक्लियस लिखा है यहाँ पे, उसके बाद ये डॉटर न्यूक्लियस में क्या हो गया, देखो अब सारे डॉटर न्यूक्लियस क्या हो गया, इट्स आर कवर्ड और इट्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, सबका मेम्ब्रेन बन चुका है। अब इसके बाद ये फिर निकल जाता है बाहर, क्योंकि सेल रप्चर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंडिविजुअल लॉट ऑफ डॉटर सेल्स, राइट। सो ये मल्टीपल फिशन है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब मलेरिया पढ़ेंगे, तो मलेरिया के केस में बिल्कुल यही चीज है, यही काम करते हैं, ऐसे ही वो ग्रो करते हैं हमारे बॉडी में। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिशन ऑफ प्लास्मोडियम, ठीक है ना, ये क्या है, ईस्ट का एग्जांपल है। तो ईस्ट क्या करेगा, देखो आप बडिंग कर रहे हैं ना, तो पहले देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस यहाँ पे गया, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो कवर हो गया आपके इसके साथ, जो आपके आपके मेम्ब्रेन के साथ, then the yeast is forming this chain and after that it will attach, ठीक है, तो ये yeast का example है, ये budding होता है, इसके case में budding ऐसे होता है, ठीक है। Next hydra का देखते हैं, ये hydra देखो यहाँ पे bud बनना शुरू हो गया, यहाँ पे थोड़ा और mature हो गया, यहाँ पे थोड़ा और mature हो गया, इसके बाद देखो detach हो गया, जब mature हो जाता है तो क्या हो जाता है, detach हो जाता है, ये है आपका gemmules जो हमने discuss किया, अभी diagram मैंने दिखाया, तो ऐसा होता है, ये जो अंदर में आप देख रहे हो, those are the cells which are compactly arranged, और ये पूरा जो gemmule का structure है किसमें बनता है, ये पूरा आपके स्पंज के बॉडी में, बॉडी वॉल के अंदर, जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये बॉडी वॉल के अंदर रहता है, कहाँ रहता है, बॉडी वॉल के अंदर, इधर अंदर की तरफ, ये सारे क्या है, ये जो है आपके ये सब जो मैंने बनाया ये एक्चुअली है जेम्यूल्स, ठीक है, और ये सारे जेम्यूल्स क्या हो जाएंगे, दे विल कम आउट एंड दे विल फ्लोट फ्रीली इन द वॉटर, और वो खुद से नहीं मूव कर सकते, ये बेसिकली मूव कैसे करते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द करंट, वॉटर करंट, ठीक है ना, तो ये आर्क्योसाइट्स है अंदर में, और दोनों के बीच में हम देखो ये जो गैप है ये जिलेटिनस लेयर है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन, देन वी आल्सो में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है, और अंदर में जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर, इनके बीच में जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज प्रोवाइडिंग द शेप, मेंटेनिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द और द स्ट्रक्चर ऑफ दिस जेम्यूल्स, ये होते हैं आपके स्पिक्यूल्स, ठीक है, स्पिक्यूल्स से बनते हैं, स्पंजेस आपने पढ़ा होगा स्पिक्यूल्स के बारे में, और ये है माइक्रोपाइलरिटी, यहां से जब सबस्ट्रेटम सुइटेबल सबस्ट्रेटम इसे मिल जाएगा जेम्यूल्स को, तो यहां पे अटैच होके ये सारे आर्क्योसाइट सेल बाहर निकल जाएंगे, देन दिस आर्क्योसाइट सेल विल फॉर्म द एडल्ट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का जो जो बॉडी है वो बनेगा, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।
सो लेट अस गो बैक एंड विल कंटिन्यू. अब देखो जू स्पोर डिस्कस कर रहे थे हम, तो जू स्पोर है क्या? जू स्पोर्स आर दे आर बेसिकली जनरली मोटाइल. जू स्पोर हम इसीलिए कहते हैं कि वो मोटाइल है, मतलब मूव कर सकते हैं. और मूव कैसे करते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग फ्लैजेला. क्या होता है इनके पास? फ्लैजेला, ठीक है, विच हेल्प देम फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन. एग्जाम्पल क्या लेते हैं? क्लाइडोमोनस का. तो क्लाइडोमोनस में क्या होता है? दिस क्लाइडोमोनस स्पोर्स हैव बाई फ्लैजेले, दो दो फ्लैजेला होता है विच हेल्प देम फॉर फ्री स्विमिंग. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. This is Chlamydomonas and they are having two flagella, or that's why they are called biflagellates, and they are helping, that is helping them for moving or you know like locomote in the water, help them to swim inside the water. Okay, and that is why they are known as zoospore, because they can move, they are motile, so that's why we consider them as zoospore. ठीक है, so ये पहला category था, sub category था आपके इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे स्पोर फॉर्मेशन में. तो पहला हमने डिस्कस किया जू स्पोर, अभी हम दूसरा डिस्कस करेंगे, वो है आपका कोनिडिया. अब कोनिडिया क्या होता है, इसका एग्जांपल समझने के लिए, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे जो आपका है पेनिसिलियम. ठीक है, पेनिसिलियम का एग्जाम्पल लेंगे. अब देखो पेनिसिलियम में क्या होता है ना, अगर आपका अब उसके स्ट्रक्चर देखोगे, सो वो जो स्पोर बनाता है ना, दे आर फॉर्मिंग द स्पोर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन. आप देख सकते हो यहाँ पे, so this is the structure, these are the branches. और यहाँ पे ऊपर की तरफ the anterior end, you can see the anterior part, they are having this chain of pores. pores का एक chain है, उसके बाद ये जो इसके बाद ये पूरा chain detach हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम conidia. तो conidia is a, it's a type by which the organism can also produce asexually by forming spores, by the formation of spore. so this is the examples of penicillium, where this penicillium are forming conidia, which is the chain of spore. actually conidia kuch nahi, kya hai wo? spore ka chain. theek hai, so when the spores are produced in the case of penicillium, they are produced in the form of chain and they are non motile in nature. ab dekho isme koi bhi flagella nahi hai, kuch bhi nahi hai, koi bhi aapke moving parts nahi hai jisse ye move kar sakte hain ya swim kar sakte hain, aisa kuch nahi. to ye hote kya hai? ye non motile, ye move nahi kar sakte, isliye hum ise kya kehte hain? conidia, is hum zoospore nahi kehte. ठीक है, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हम डिस्कस करेंगे, होता है फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस, मतलब ऐसे आपके पास, ऐसे हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में जो कि अपने मतलब अपने बॉडी को या अपने बॉडी अगर पीसेस हो जाए, अगर वो फ्रैगमेंट्स बन जाए उनके बॉडी का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक पीस से वो फिर से एक नया इंडिविजुअल बन जाएंगे. तो पहला एग्जाम्पल है स्पाइरोवेरा का. बेसिकली स्पाइरोवेरा होता है कि इट्स अ फिलामेंटस एल्गी. क्या है ये? फिलामेंटस एल्गी है. अगर नेचुरली अब देखो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए. देखिए प्रॉपर रिप्रोडक्शन है नहीं, मतलब जो ये स्पाइरोवेरा है, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल फैक्टर्स दे कैन बी टियर्ड पार्ट्स, तो वो टूट सकते हैं, उनके बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, ब्रेक वो टूट जाएंगे, तो क्या होगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट से वो एक नया फिर से इंडिविजुअल बन सकते हैं. सो दैट इज द कैपेसिटी दे हैव. ठीक है, इसके एक और एग्जांपल लेते हैं एनिमल किंगडम से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानारिया. आपने पढ़ा होगा प्लानारिया के बारे में, अपने लिवर फ्लूक, सॉरी लिवर फ्लूक बोलो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर लिविंग फ्रीली एज़ वेल. ठीक है ना, तो ये प्लानारिया है, हमने पढ़ा था प्लैटिहेलमिंथस में, फ्लैटवर्म्स में आता है ये. आप एनिमल किंगडम में जब पढ़ाई किए थे तो आपने पढ़ा होगा. तो ये जो प्लानारिया है, इसका भी जो रीजनरेशन कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होता है. इसका मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया, देखिए यहाँ पे, कि इफ यू मेक डिफरेंट पीसेस ऑफ दिस प्लानारिया, अगर हम इसके बहुत सारे पीसेस बना देते हैं, तो हर एक पीस से क्या ना, फ्रॉम ईच पीस और फ्रॉम ईच फ्रैगमेंट्स दे कैन प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ईच पार्ट. सो दैट इज द लेवल ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी दे हैव. सो दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ, दिस इज एक्चुअली है ना, प्रॉपर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, बट बिकॉज होता क्या है कि इनके हर एक पार्ट से ये फिर से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, सो इसीलिए हम इसको इसमें कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है आपका इसमें प्लानेट, इसमें इफ वी कट द प्लानेरिया इनटू पीसेस, देन ईच फ्रैगमेंट्स कैन गिव राइज टू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका We'll discuss plasmotomy. अब तो प्लास्मोटोमी क्या होता है?
प्लास्कोटोमिया में कहां देखने मिलता है ज्यादातर हमें ये जो प्रोटोजोअन्स है जो कि मल्टी न्यूक्लियर मतलब जो ऐसे प्रोटोजोअन जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों वो मल्टी न्यूक्लियेटेड वैसे प्रोटोजोअन्स में हमें ये जो प्लास्मोटोमी है वो हमें दिखता है। ठीक है तो प्लास्मोटोमी क्या है वो हम देखेंगे अभी समझेंगे उसको डिटेल में। एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है ओपेलिना और क्या एग्जाम्पल है देन पैलियोमाइक्सा। ठीक है तो पैलियोमाइक्सा एंड और ओपेलिना ये दो एग्जाम्पल है तो हम अभी देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं और हम इसे क्यों प्लास्मोटोमी कंसिडर करते हैं और प्लास्मोटोमी है क्या एक्चुअल। अब देखो पहले मैंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है नेचुरली ये क्या होते हैं नेचुरली दे आर मल्टी न्यूक्लियेटेड बहुत सारा न्यूक्लियस होता है तो आप यहां देख सकते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियस है इसके ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है इंडिविजुअल सेल है उसका तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रोटोजोआ है एक्चुअली आप प्रोटोजोआ में देखते हैं ये जो मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोजोआ है उसमें हम देखते हैं तो बहुत सारा न्यूक्लियस है तो वो क्या करेगा पहले क्या होगा कि मतलब नॉर्मल सेल में हम क्या करते हैं जब हम देखते हैं कि डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज ऑलमोस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन है ना वैसे ही होता है माइटोटिक डिवीजन मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता नहीं तो माइटोटिक डिवीजन नॉर्मली होता क्या है फर्स्ट जो होता है वो जो आपका है कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद क्या होता है जो साइटोप्लाज्म जो है या साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ये नॉर्मल जो डिवीजन सेल का होता है उसमें होता है लेकिन इसमें क्या होता है प्लास्मोटोमी में ऐसा नहीं होता उल्टा होता है इसमें क्या होता है साइटोप्लास्मिक डिवीजन पहले होता है फिर जाके जो न्यूक्लियर डिवीजन वो होता है इसको थोड़ा समझिए आप मैंने पहले क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है तो हम मान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद इसमें सात और इसमें सात ये दो जो डॉटर सेल बना है इसमें सात बना है इसमें सात बना है अब क्या होगा अभी जो सेल है ये सात अभी जब पहले क्या साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो जो आपके जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो गए दोनों में इसमें भी डिवाइड हो गया इसमें भी डिवाइड हो गया अब क्या होगा अब पहले साइटोप्लाज्म हो गया नॉर्मली नॉर्मल सेल में क्या होता है पहले होता है आपका कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले जो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होकर अलग हो जाता है उसके बाद जाके साइटोकाइनेसिस होता है लेकिन इसमें उल्टा है इसमें पहले साइटोकाइनेसिस हो गया साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। ठीक है तो मान लेते हैं इसमें सात है इसमें सात न्यूक्लियस है अब क्या होगा सात अब ये जो न्यूक्लियर डिवीजन अभी दोनों में होगा तो क्या होगा डबल हो जाएगा इसका मतलब जो डॉटर जो फाइनल जो आपके डॉटर सेल बनेंगे उसमें क्या होगा 14-14 होगा है ना तो ये मैं समझाने के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फिगर लिया है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों में सात सात न्यूक्लियस ही आएंगे हो सकता है इसमें छह आ जाए इसमें आठ आ जाए इसमें सात आ जाए इसमें सॉरी इसमें नौ आ जाए और इसमें छह आ जाए ऐसा भी हो सकता है जितने भी आएंगे वो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डॉटर सेल में वो डबल हो जाएंगे। सो ये होता है प्लास्मोटोमी में ये कंसेप्ट है प्लास्मोटोमी का। ठीक है ना तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। सो बिफोर वी क्लोज टुडेज लेक्चर टुडेज क्लास आई विल शो यू सम द इमेजेस व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड एक करके देखेंगे ये देखिए आप सामने आप देख सकते हो दिस अ कलर कलरफुल डायग्राम एंड दिस आर द रियल इमेज ऑफ क्लाइमेटोमोनस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लाइमेटोमोनस है जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था। सो लेट मी जस्ट गो बैक फॉर अ व्हाइल कहां है यहां पे शायद था नहीं इसके पहले वाला हाँ यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया था तो आप देख सकते हो सो दिस दैट वाज द डायग्राम एंड कैन यू सी यहाँ पे तो फ्लाजेला है ना सो बिल्कुल वैसा ही अगर आप इस इमेज में देखोगे तो ये आपको फ्लाजेला दिख रहा होगा ये फ्लाजेला है दिख रहा है सो दिस इज द क्लाइमेटोमोनस और ये इसका फ्लाजेला है दिस आर ऑल मोटाइल ज़ूस्पोर्स दे आर रिप्रोड्यूस एज विथ मोटाइल ज़ूस्पोर्स ये कौन सा है ये एग्जाम्पल है आपके पेनिसिलियम का मैंने बताया था पढ़ाया था आपको भी। अब देखो यहाँ पे चेन बहुत लंबा चेन बना है किसका स्पोर का इसे आप कहते हैं कोनिडिया और ये है पेनिसिलियम इसके ब्रांचेस हैं ये सारे पेनिसिलियम है इसके ब्रांचेस है और जो एकदम टॉप पार्ट है एंटीरियर पार्ट है वहां पे देखिए चेन बना है और ये भी रियल इमेज है। ओके ये रियल क्लाइमेटोमोनस का पिक्चर है और ये रियल पेनिसिलियम का पिक्चर है। ठीक है नकली नहीं है कोई ड्रॉइंग नहीं है दिस इज रियल। ओके अंडर द माइक्रोस्कोप द फोटो हैज बीन टेकन राइट। नेक्स्ट क्या हमने डिस्कस किया था स्पाइरोगैरा तो स्पाइरोगैरा क्या है फिलामेंटस एल्गी है ये उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है दोनों ही डायग्रामेटिक है रियल इमेज नहीं है तो इसमें ऐसा होता है ये न्यूक्लियस होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली तो अगर ये टूट के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं स्पाइरोगैरा अगर कोई किसी कंडीशन नेचुरल कंडीशन से अगर ऐसे कोई उनके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं देखो अब ये फ्रैगमेंट्स वन है ये टू है थ्री है तो हर एक फ्रैगमेंट से देखो नया इंडिविजुअल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा।
So this is very very interesting. We say this is the reproduction asexually, we consider this is called fragmentation production, right? अब दूसरा क्या है? दूसरा है, so let me just magnify this diagram little bit. अब दूसरा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, the second one is this. So I'm just overlapping this for your understanding. Yeah. So अब याद रखो, this is the fragmentation in case of planaria. तो planaria का मैंने हमें क्या दिखा था, तो इसके अगर हम अलग अलग हिस्से करते बॉडी के, इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा पार्ट अलग हो गया, कोई भी पार्ट अगर बॉडी का अलग हो जाए, हर एक पार्ट से एक नया जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो सकता है, बिकॉज दिस प्लानारिया दे आर हैविंग वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. ठीक है, सो ये डॉटर्स प्लानारिया बन गए. ठीक है, सो बाय दिस आई थिंक वी विल स्टॉप हियर एंड वी डिस्कस फर्दर, वी डिस्कस फर्दर अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो. सो वील कंटिन्यू in the next video lecture. So till then, take care, be safe, stay at home. Bye. Take care.